नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमाचल गुरुजी के एक और स्पेशल और फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूँ आज का दिन आपके लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू, कहाँ से मिलेंगे कहाँ से नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, हमारे पास मैंने इसको गूगल के ऊपर सर्च किया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एमसीक्यू, तो ये मेरे को मिल चुके हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास तो रिजल्ट बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसमें से कौन से जाएंगे कौन से नहीं उसके ऊपर देखते हैं। वाला आखिरकार देखिए, 10,000 इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्वेश्चन इसमें सबसे पहले scienceforundry.com पे आपको मिल जाएंगे। मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए, साइन फाउंड्री में सबसे लास्ट में यहां पे दिया गया है हेयर कि आपके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कवरिंग 100+ टॉपिक्स, मतलब 100 से ज्यादा टॉपिक्स जो है वो यहां पे मिल चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस आंसर और ऑन वाटर डिमांड एंड क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आती थी कि हाँ जी सिविल में से आएगा, एग्रीकल्चर में से आएगा। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी बात मैं बता दूँ कि अगर किसी चीज़ की बुक नहीं मिलती है तो ऑनलाइन क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो ऑनलाइन ही मतलब कि ऑनलाइन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ वाटर डिमांड में। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर डिमांड में देखिए, आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर लास्ट में जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको और मिल जाएंगे नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके 10-11 क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन LPCD रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस अकॉर्डिंग टू IS कोड इज़ कितना होगा। तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है D, और विद एक्सप्लेनेशन जो है वो सारा का सारा इसमें बताया गया है। तो यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो है वो मे भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ जी इसमें जो मैंने आपको पिछली बार बताया था सिलेबस में कि हाँ जी ये टॉपिक्स हैं, ये नहीं है, फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है, ठीक है, तो ये सारे के सारे डिस्फेक्शन है, तो इसमें सारे के सारे आपके पास मतलब क्वेश्चन आंसर जो है वो मैक्सिमम मिल जाएंगे। और 10,000 से ज़्यादा है, पढ़ते पढ़ते जो है वो मेरे को लगता है कि हाँ जी आप कवर कर सकते हैं टॉपिक्स को। ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत कि सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो है वो आपने indiabigs.com वेबसाइट से, मतलब indiabigs वेबसाइट से यहाँ से आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। इंजीनियरिंग पे यहाँ पे आपके पास सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे सारी की सारी। गुप्ता एंड गुप्ता एक और बुक होती है आपके पास, आर के गौर जो है वो भी बुक है। साथ में ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, अपने गेट के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा मैक्सिमम हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि हाँ जी कैसे क्वेश्चन है कैसे नहीं है, गेट एग्जाम क्वेश्चंस, तो इसमें सारे आपके पास मिल जाएंगे। वाटर सप्लाई, वाटर रिसोर्सेज, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया। और इसके बाद यहाँ पे इंडिया बिक्स में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी आपके क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मिल जाएंगे इसमें से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी और टेस्ट की, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से मिल जाएंगे। मतलब आपको एक्सटर्नल कोई भी बुक जो है खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तो भी पॉसिबिलिटी है शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आंसर अभी चल नहीं रहे हैं, हाँ जी ये नहीं चल रहे हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ जी कॉपीराइट हो चुका होगा इसके ऊपर, तभी ये नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के मिल चुके होंगे। तो यहाँ से आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी ये बुक जो है वो थोड़ा सा आप कर सकते हैं। मे भी पॉसिबिलिटी है मेरा इंटरनेट जो है वो हो सकता है कि नहीं चल रहा हो, तो तभी ये नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बता दिया। बाकी रही बात आपके पास कि आपने GK वगैरह कहाँ से तैयार करनी है, तो आप इंडिया बिक से GK भी कर सकते हैं, एप्टीट्यूड भी कर सकते हैं, लॉजिकल भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हो, करंट अफेयर्स की बुक, मतलब मेरा नेट चल रहा है तो शायद कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, हुई होनी पीछे से। तो उसके बाद नवंबर 2018 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे नवंबर 2018 29 दिन के हमारे पास पूरे के पूरे दे चुके हैं। अब 30 तारीख का भी यहाँ पे आपके पास करंट अफेयर आ जाएगा, तो अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है। साथ में आप स्टेट नेशनल एग्रीकल्चर, मतलब अगर एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के ऊपर क्लिक कीजिए, और वहाँ पे भी आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी कि हाँ जी इस बुक के लिए ठीक है कि नहीं है। साथ में एनवायरनमेंट के ऊपर भी यहाँ से आप क्वेश्चन जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा, तो हिमाचल गुरुजी ने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है, साथ ही साथ बाकी मैंने सिलेबस जो है वो डाल दिया था, लेकिन बुक का थोड़ा सा पंगा पड़ रहा था, तो हमने बुक्स वगैरह पहले ही आपको प्रॉपरली उसके अंदर बता दी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकियों को भी बताइए कि हाँ जी हिमाचल गुरुजी YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल।